हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोफिया फातिमा, एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज एनएमसीएच के हॉस्पिटल के दर्शन करवाने वाली हूँ, जो अभी तक नहीं हुआ था मेरे चैनल में, जो बहुत लोगों ने कहा था। और हमारे हॉस्पिटल यानी कि एनएमसीएच में सबसे पहली जो बिहार की वैक्सीन है वो आई हुई है, तो मैं उसको भी मतलब उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, सो अभी सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए हुए हैं, उसके बगल में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो 2018 में बना था, एनएमसीएच का ही एक डायग्नोस्टिक सेंटर, बहुत ही वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहीं पर आए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी भी थोड़ा बहुत बन रहा है और बहुत कुछ बन भी चुका है, सो खुद ही देख लो तुम लोग कितना सुंदर दिख रहा है ये बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग। यहीं पर जितने भी एनएमसीएच के पेशेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनका डायग्नोसिस यहाँ पे हो जाता है, ब्लड यूरिन और जितने भी अलग तरह के डायग्नोसिस होते हैं सब यहाँ पे हो जाते हैं। और फिलहाल तो कोविड टेस्ट भी सबका यहीं पर होता है, कोविड टेस्ट के लिए सारे लोग यहीं पर आते हैं। अब लोग देखते हैं अंदर जाके, थोड़ा अच्छे से थोड़ा बहुत दिखाती हूँ अंदर जाके भी इस बिल्डिंग का। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डायग्नोस्टिक एनएमसीएच पटना कंस्ट्रक्टेड बाय BMSICL। सो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग जिसके अंदर मैं अभी जा रही हूँ। बहुत से मुझे अभी लोग मिले भी थे जो कोविड टेस्ट कराकर यहाँ से जा रहे थे एनएमसीएच से। सो लेट्स सी फ्रॉम इनसाइड, यहाँ का एरिया दिखाने के बाद फिर हॉस्पिटल चलते हैं। ये अंदर से है, यहीं पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये सब भी है सामने, यही वाला एरिया। यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, अभी तो खाली है क्योंकि शाम हो चुकी है, मैं थोड़ा शाम में बना रही हूँ क्लास ओवर होने के बाद मेरा, तो अराउंड 4 हो चुका है। अब मैं अपने हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। सो देखते हैं अंदर से हॉस्पिटल को, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल। तो गाइज़ यही है इंट्रेंस हमारे हॉस्पिटल का, और हमारा हॉस्पिटल जो है वो आगम कुआं में है, थोड़ा दूर है कॉलेज से, सो सेपरेट है कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों। बिहार की जो सबसे पहली COVID-19 की वैक्सीन की डोज है वो यहीं पर आई है एनएमसीएच में ही, सो यहीं से स्टार्ट होगा। तो वो एरिया मैं दिखाना चाहती हूँ जहाँ पर ये वैक्सीन COVID-19 का स्टोर हुआ है, कोरोना का वैक्सीन। तो स्टेट वैक्सीन स्टोर बिहार लिखा हुआ है इसी बिल्डिंग के ऊपर, और यहीं पर कोरोना की वैक्सीन स्टोर की गई है। बहुत ही खुश नसीबी है हमारी। ये आई बैंक है, ये नया खुला है एनएमसीएच में, डेवलपमेंट तो हो ही रही है, सो यहाँ पे कॉर्निया स्टोर होता है, सारे सहायता केंद्र। और ये ऑडिटोरियम है, हॉस्पिटल ऑडिटोरियम है ये, यहाँ पर हमारा CFD के टाइम कॉम्पिटिशन होता है एक बीच में, फीनिक्स कहते हैं उसको, तो मैंने भी पार्ट लिया था और मैंने भी प्राइज़ जीता था, 2nd प्राइज़ आई थी मुझे पोएट्री में, यहीं पर मैंने बोला था। सो लेट्स सी कि हॉस्पिटल ऑडिटोरियम अंदर से कैसा है, अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एम्बुलेंस भी लगे हुए हैं, बहुत सारे एम्बुलेंस, देख लो हॉस्पिटल हो और एम्बुलेंस ना हो, ये कैसे हो सकता। यहीं पर लगे हुए हैं, सिर्फ और भी लगे रहते हैं, शाम के वक्त में थोड़ी भीड़ भी कम है, वरना बहुत रहती है भीड़। अब ऑडिटोरियम को थोड़ा अंदर से देख लेते हैं। ऐसे तो यहाँ पर एक बार फंक्शन होता है CFD में, उसके अलावा यहाँ पर मीटिंग्स होते रहती है जनरली हमेशा, जैसे अभी भी मीटिंग होते रहती है या आजकल में हुई होगी डॉक्टर्स की, फिर उससे सीनियर जितने भी ऑफिसर्स हैं कोई भी रिलेटेड केसेस के। सो ये ऑडिटोरियम अंदर से ऐसा दिख रहा है। कॉलेज का ऑडिटोरियम तो बहुत बड़ा है, ये नॉर्मल है, कॉलेज का भी ऑडिटोरियम दिखाऊंगी कभी पक्का से। यही है स्टेज जहाँ पर होती है मीटिंग या कोई परफॉर्मेंस होता है, हम लोग का हुआ था CFD के टाइम, बहुत मज़ा आया था, बहुत चेयरिंग हुई थी, बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। अब बाहर निकलते हैं, सो अब हम लोग ऑडिटोरियम से बाहर आ गए, अब हॉस्पिटल की बाकी एरियाज भी मैं दिखा देती हूँ। सो यही है हॉस्पिटल का एरिया, तो यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ दिखाना, थोड़ा सा
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल हॉस्पिटल का. जनरली वार्ड ड्यूटी सेकेंड ईयर से हम लोग करने आते हैं यहाँ पे. सेकेंड ईयर से रोल नंबर वाइज अलग अलग वार्ड, जैसे हम मेडिसिन हो गया, सर्जरी, पीएसएम करने आते हैं हम लोग. सो ये आपातकालीन सेवा की बिल्डिंग है और ये बाकी सारी बिल्डिंग है जिसके अंदर ढेर सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं. और अच्छे से दिखाती हूँ. ये सारे बिल्डिंग दिख रहे होंगे तुम लोग को. अभी तो क्योंकि शाम का वक्त है जैसे मैंने बताया, इसलिए पेशेंट्स का इनफ्लो कम है, वरना जनरली यहाँ पर पेशेंट्स का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, कनेक्टेड है, पटना सिटी भी बगल में है, फिर इस साइड कंकड़बाग एंड ऑल, तो पेशेंट्स का इनफ्लो में कमी कभी नहीं रहती है, भीड़ ही रहती है जनरली. COVID-19 पूछताछ केंद्र, कोरोना हॉस्पिटल था ये, इसलिए अभी भी है. अब हम लोग थोड़ा अंदर से देखते हैं आईसीयू, सर्जरी, ये सब वार्ड को. अगर बंद भी होगा तो मैं बाहर से मतलब दिखा दूंगी अच्छे से. लेट्स सी अंदर जाके. आना जाना होते रहता है हम लोग का वार्ड ड्यूटी के लिए. अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा कम हो गया है, वरना जनरली हम लोग आते रहते हैं यहाँ पर. थर्ड फोर्थ ईयर में तो ऑब्वियसली कंपल्सरी है, सेकेंड ईयर में भी आते हैं स्टूडेंट्स, बट सारे नहीं आते. इंटेंसिव केयर यूनिट का ही रहा, इसके अंदर शायद ही जाने मिले. लेट्स सी थोड़ा सा अंदर जाके, पेशेंट्स लोग होंगे अंदर. और अब मैं बाकी का एरिया दिखाना चाहती हूँ. इधर सर्जरी वार्ड है बट शायद वो बंद हो चुका है. मैं सोच रही हूँ मैं एक और वीडियो बना लूँगी कभी दिन में, अभी फ़िलहाल में नहीं, बट मैं बनाऊँगी जब मैं आपको पेशेंट्स इन्फो दिखा सकूँ और बाकी स्पेसिफिक वार्ड की अलग अलग से मैं वीडियोज़ आगे चल के कोशिश करूँगी बनाने की. सो ये भी कुछ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये सब है. सो और भी ऐसे बहुत सारे मतलब पूरा बिल्डिंग जितना मैं बाहर से दिखाई थी उसके अंदर अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स ही हैं. सो ये भी अंदर है, फिर ऊपर भी है, डेंटल भी इधर है, फिर उधर. ये आँख विभाग हो गया. नर्सिंग का भी जहाँ पढ़ाई होती है वो हॉस्पिटल में ही है. हमारे नर्सिंग की पढ़ाई भी इधर ही हॉस्पिटल में होती है. ये सारा एरिया. अब हम लोग लौट रहे हैं हॉस्पिटल से क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर अभी भीड़ भीड़ नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई. बट जितना दिखाई हूँ मैं एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की थी कि जो कभी नहीं देखे हॉस्पिटल वो देख लें, या जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं यहाँ पर वो जान लें कि किस टाइप का कहाँ पे क्या चीज़ है. सो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना.